अब बात कर लेते हैं इस जमहूरी मुल्क पाकिस्तान की। ठीक है, ये कहावत तो आप लोगों ने जरूर सुनी होगी, पाकिस्तान की खुल गई पोल बीच बजरिया फट गया ढोल। खुल गया पोल बीच बजरिया फट गया ढोल। ये जो पाकिस्तानी चौड़े होकर बोल रहे थे कि हमने रशिया से भारत की रेट पे तेल लिया है, सस्ता तेल लिया है, तो रशिया ने इनके मुंह पे लगाया तमाचा और बिल्कुल क्लियरली कहा है कि हमने कोई स्पेशल डिस्काउंट इन पाकिस्तानियों को नहीं दिया। रशियन एनर्जी मिनिस्टर निकोलाई शुगिनोव हैज रूल्ड आउट एनी एक्सक्लूसिव डिस्काउंट फॉर पाकिस्तान ऑन द परचेज ऑफ यूरल्स क्रूड। पाकिस्तान को तेल की खरीदारी में कोई खुसूसी रियायत नहीं दी रूस। जी हाँ जी, रूस ये कहता है कि पाकिस्तान को कोई खुसूसी रियायत नहीं दी गई। के रशिया के एनर्जी मिनिस्टर मिस्टर निकोलाई ने ये रिवील किया है कि पाकिस्तान को क्रूड ऑयल डिस्काउंटेड प्राइस पर नहीं दिया गया, क्योंकि आप उल्लू के पट्टे। और एक बार फिर पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई। लेकिन बेइज्जती उन लोगों को फील होती है जिनकी कुछ इज्जत हो। ये तो हर रोज ही बेइज्जत होते हैं, हर रोज ही बेइज्जत होते हैं। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। खैर, पाकिस्तानियों की बेइज्जती हो तो हिंदुस्तानियों को तो मजे आते ही आते हैं, थोड़ी सी खुशी आ जाती है। सही बात है। तो पाकिस्तान की घनघोर बेइज्जती के बाद में पाकिस्तानी पत्रकार निकले पब्लिक के बीच में और जाके ये पूछ रहा, रशिया ने हमारे मुंह पे तमाचा मार दिया और साफ साफ बोल दिया कि कोई सस्ता तेल नहीं खरीदा है। तो इस पे पाकिस्तानी आवाम का क्या रिएक्शन है, पता नहीं। चलते पाकिस्तान। मुझे बताएं, रशिया से ऑयल आया है, बड़ी धूम थी कि रशिया से ऑयल आएगा, बड़ा मतलब यह है कि हमारा उनके साथ रिलेशन भी बेहतर होगा और ऑयल भी यहाँ पे सस्ता हो जाएगा, पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। कितना कम हुआ है रेट, कितने कम हुए हैं ऑयल आने के बाद? रिलेशन तो वक्त पर जाते, अमेरिका का प्रेशर ना होता तो पहले चले जाते, जैसे खान साहब गए थे। ठीक है, रिलेशन तो बेहतर हो गए थे। अच्छा, तो पेट्रोल कितना सस्ता हुआ है? कहाँ सस्ता हुआ, उनके वो बयान भी आ गए, आपको पता है। बिल्कुल बिल्कुल, उनके ऊपर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। उनके किन्होंने बयान दिया? उन्होंने ऑफिशियल बयान दे दिया कि हमने कोई सस्ता नहीं दिया, ये सब प्रोपेगेंडा है, इलेक्शन आ रहे हैं, सब कुछ पता है लोगों को, सारी चीजों का पता है, आप किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते। ठीक हो गया। अच्छा, तो ये साथ है, अगर ये मैं एक बात ये है कि ये साथ ही हमारे ईरान है। हाँ हाँ। कोई दूर नहीं है, वहाँ से तेल सस्ता पड़ेगा, बड़े आराम से वहाँ से ले सकते हैं। ठीक हो गया। लेकिन वहाँ से नहीं लेना हमने, हमारा आखा नाराज हो जाएगा। नहीं, वो तो इस्लामिक कंट्री है, जो मतलब हमें बताया जाता है कि इस्लामिक कंट्री सारे यूनाइटेड है, OIC में सबका ग्रुप है, ये वो है, तो हम उनके साथ क्यों नहीं ट्रेड कर रहे? वैसे ट्रेड हर एक के साथ करनी चाहिए, लेकिन उनके साथ क्यों नहीं कर रहे? वो इसलिए नहीं कर रहे कि आखन राज हो जाएगा हमारा। आका मतलब अमेरिका और कौन? अमेरिका तो एक तरफ हम अमेरिका को दुश्मन कहते हैं, दूसरी तरफ अमेरिका सर, को एड भी तो वहीं से ही आती है ना, जो हमारे ऊपर बैठे हैं, जो मुसल्लत हुए हैं, उनको एड भी वहां से आती है। अच्छा, तो सबको पता है, आप किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते। ईरान से इंडिया भी ले रहा था, कितने देर लिया, प्रेशर भी था, लेकिन लीडरशिप अब वहाँ गई, वहाँ इंटरफेरेंस नहीं है। हाँ। वहाँ फैसले वहाँ जमहूरियत के हिसाब से पार्लियामेंट के अंदर होते हैं। तो ईरान से चाइना भी ले रहा था, उनके ऊपर भी कोई अभी भी इवन ले रहा है, चाइना तो अभी भी ईरान से ऑयल ले रहा है। लेट सपोज रशियन ऑयल की बात करते हैं, क्या पाकिस्तान में उस लेवल की रिफाइनरीज हैं, उस लेवल की टेक्नोलॉजी मशीनरी है कि वो रशियन ऑयल को रिफाइन कर सकें? उसे कुछ भी नहीं है। तो फिर ये सब ड्रामा है। हमने लिया ऑलमोस्ट 64-65 रुपीस डॉलर के हिसाब से हमने जो ये लिया है, लेकिन इसके ऊपर हमने रिफाइन करवाना, ये तो फिर हमें उसी कॉस्ट पे पड़ गया। और पहले ही कौमी खजाने में कुछ नहीं रिफाइन कर से कराना है, ये एक ट्रॉफी ड्रामा खेला गया जी, ये होगा फलान होगा, कि तो आपको पता है इलेक्शन आ रही है, ये इलेक्शन की वजह से सारा प्रोपेगेंडा हो रहा है और होना कुछ भी नहीं है, आपको पता है, सबको पता है। जब नई नई रशिया यूक्रेन की वार हुई थी, मैं जानना चाहता हूँ कि पब्लिक क्या सोच रखती है इस मामले में। रशिया यूक्रेन की वार स्टार्ट हुई उस टाइम पे रशिया पे प्रेशर था कि कोई ऑयल ना ले, सैंक्शन थी, ठीक हो गया। उस टाइम पे जिन कंट्रीज में लिया उन्हें डिस्काउंट भी मिला, रिलेशन भी बेहतर हुए, तो क्या पाकिस्तान उस टाइम पे अगर ले लेता? हाँ, उस वक्त स्टैंड लेना चाहिए था, जहाँ एक चीज प्रोडक्ट आपको सस्ती मिली, आपने अपने मुल्क के लिए सोचना ना। आपने किसी को अमेरिका को कितनी दूर खुश किया आपने, कितने अरब डॉलर हमारा दहशत गर्दी के ऊपर, उसने फिर भी कहा डूमोर। ठीक है, डूमोर का बिल्कुल कहा, वो तो खुश होते ही नहीं है, उनका तो मतलब वो कहते हैं कि तबाही हो जाए, तो बर्बाद हो जाए, और उन्होंने कर दिया बर्बाद। तो हम बेवकूफ हैं, हम बेवकूफ हैं, हमने अपने ऊपर ये इल्जाम भी लिया, टेररिज्म का जो उनसा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया, रिलेशन अपने अफगानिस्तान से खराब कर लिए, आज इकॉनमी हमारी डाउन है, अगर कोई काम करना पड़ता है वो आपके बकौल कि हमें वो अमेरिका आका से पूछ के करना पड़ता है, तो हम बेवकूफ हैं, हम ये चीजें क्यों नहीं समझते? हम बेवकूफ नहीं है, हम लालची हैं, हम गुलाम हैं। सही पकड़े हैं। यहाँ से जो गुलामी है ना, वो इंसान को किसी काम का नहीं छोड़ते, सारे इनके जो मफाद हैं वो बाहर हैं, उनको पता है आज हम आगे खड़े हो जाएंगे अमेरिका के, जो उनकी बात ना मानी तो क्या होगा, पाकिस्तान को कुछ नहीं होना, इनको अपना तो नुकसान होना। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इंडिया की अगर बात करें 1947 में वो भी आज़ाद हुए, मतलब गुलामी से सर जमहूरियत देखनी है ना, साथ ही इंडिया बैठा हुआ,
हम उसको दुश्मन मुल्क कहते हैं, सब कुछ कहते हैं। देखें आज कहां तरक्की कर गए, आईटी में कितने अरब कमा रहे। वो कैसे गया, बात ये हर एक ये कहता है सर, वो ऐसे गया ना कि उनके अंदर मुदाखलत कोई नहीं कर सकता ना, किसी की जरूरत नहीं है उनके पार्लियामान के अंदर कोई मुदाखलत करे। ठीक है, अब जो मैं कह रहा हूँ आप समझेंगे। ठीक हो गया, हमारे यहाँ पे ये चीजें आ सकती हैं कि नहीं आ सकती सर? वो तब आएंगी जब ये कौम अपने पाँव पे खड़ी होगी, कि कहेगी कि हमने अपने फैसले खुद करने हैं। ये है। जब तक ये कौम के अंदर शोर नहीं आएगा, हम बटे हुए हैं सियासी पार्टी के अंदर, हम सूबों के अंदर बटे हुए हैं, जब तक ये कौम अवेयरनेस नहीं आएगी, अवेयरनेस नहीं आएगी जब तक हमें सही तरह, हमारा मीडिया भी ठीक तरह से नहीं बताता ना। ये भी बात है, जो सबसे नेगेटिव रोल है इस टाइम वो मीडिया का है। ये है। मीर जाफर मीर सादक बैठे हुए, उनको पैसे मिल रहे हैं, वो सही रिपोर्टिंग कर रही है, उसके अंदर थोड़ा सा चले। ठीक है, आपकी बात ठीक है, मीडिया का रोल है अच्छी खबर, मतलब जो अथेंटिक खबर है सच है वो नहीं दिखाता, लेकिन यहाँ पे ऐसा माहौल बन चुका है जो सच दिखाता है उसे झूठ कह दिया जाता है, उसे कह दिया जाता है ये किसी एजेंडे पे काम कर रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, ये एजेंडे भी काम हो रहा था ना पिछले 3.5 साल। ठीक है, वो खान साहब की एक यहाँ पे पता नहीं कितने फिर होते, महंगाई कितनी होगी, महंगाई कितनी होगी, अब कोई नहीं आता यहाँ पे पूछे, यूट्यूबर फिर रहे होते हैं यहाँ पे बेसिक। एक प्रोग्राम को जब बताया ये मंसूर अली खान, ये पता नहीं कितने प्रोग्राम किए खान के दौर में, जी कितनी महंगाई होगी, देखें लुट गया, बर्बाद हो गए, अब नहीं आते। इंटरनेशनल कंट्रीज हमें इस टाइम पे किस नज़र से देख रही हैं आपके ख्याल में? इवन बांग्लादेश की बात करें वो किस नज़र से देख रहे हैं? भिखारियों के जिस नज़र से देखा जाता है उसी नज़र से देख रहे हैं। किसे? हमें और क्या, कशकोल लेके फिर रहे हैं, कभी किसी मुल्क जा रहे हैं, कभी किसी, हमें खुदा का वास्ता में भीख दे दो, बर्बाद हो। इन बड़बोलों का जितना पोपट होना उतना ही बढ़िया है, कोई अपना ही पैसा ले आओ पाकिस्तान, मईशत भी ठीक हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपका नाम क्या था? मेरा नाम हैदर। हैदर भाई, ये बातें करते हुए दुख नहीं होता, मतलब कि हम भिखारियों की तरह फिर रहे हैं, हमारी कोई वैल्यू, ये मतलब दुख नहीं होता कि मैं, ये आप अपने आप को कह रहे हैं, मतलब अगर पाकिस्तान को कह रहे हैं तो ये मैं अपने आप को कह रहा हूँ। जो जो हम एक मुल्क का सरबराह होता है वो पूरी कौम का एक चेहरा होता है, ऐसे ही है, ऐसे नहीं होता। आप ये जहाँ पे जाते हैं पहले वो देखते हैं कि इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, ऐसे ही है, वो ठीक ही उस हिसाब से डील करते हैं ना, ऐसे मुंह उठा के तुर्की चले गए, मैं जी आपके लिए आमों का तोहफा लेके आऊँ, भाई आपको बुलाया किसने, इस तरह तो ये अपनी इज्जत खराब करते हैं, अपने खुद के रिलेशन बनाते हैं, मुल्क के मफाद इंटरेस्ट में कुछ भी नहीं है ये। अच्छा ये आप ये बताएंगे एक साल पहले क्या हालात थे, आज क्या हालात है? ये तो आए थे मुल्क के हालात बेहतर करने के लिए, दिन ब दिन खराब हो रहे हैं। इंडियन प्राइम मिनिस्टर की बड़ी वर्थ है, कभी वो ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, कभी वो जापान जाते हैं, कभी वो यूएस जाते हैं, और हमें यहाँ पे जो उनका बताया जाता है वो तो ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन उनकी पूरी दुनिया रिस्पेक्ट कर रही है, इसलिए कर रही है ना कि वो अपने फैसले खुद करते हैं, कोई इंटरफेरेंस नहीं है, मुल्क मईशत उनकी बेहतर हो रही है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टांगे खींचने वाले एक दूसरे के टांगे खींचने में लगे हुए हैं भाई, वहाँ पे कोई इंटरफेरेंस नहीं है, अमेरिका नहीं कर सकता, अमेरिका इवन वो आपको पता सबसे पहले जो अफगानिस्तान के ऊपर जो जब वार शुरू हुई थी, अच्छा, जब मुशर्रफ ने अड्डे दिए थे, जी जी। सबसे पहले उन्होंने अमेरिका इंडिया को अप्रोच किया था कि हमें अड्डे दो, उन्होंने कहा हमने नहीं देने। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बिक गया सब, पूरा निज़ाम ही बिक गया। तो आज उनका उनका यही मौलाना फजल रहमान, इसने सिग्नेचर किए थे, ये ड्रोन हमले जो होते रहे हैं इनके दस्तखत है। जहाँ तक मुझे पता है कि यूएस ने कभी भी इंडिया को अप्रोच नहीं किया, और जिस समय पाकिस्तान ने अमेरिका को अड्डे दिए डॉलरों पे बिक के, उस समय पाकिस्तान और अमेरिका एक ही थाली के चट्टे बट्टे थे, दोनों की साठगांठ थी, भारत से तो नफरत करते थे ही 1971 की मार खाने के बाद में। और पूरा सच अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन आप ही का है, पहन लीजिए इन पाकिस्तानियों को, बता दीजिए आखिर सच क्या है। और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो तो अलग अलग ग्रुप में शेयर कर दिया करो। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।